Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं बिस्तक। बिस्तक के इस खास शो में आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्वांट एमएफटी इसलिए क्योंकि उनके इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी आशंका, एक बड़े डर का माहौल पिछले दो दिन से एक पैदा हुआ है। वजह यह है कि क्वांट एमएफ के दो ठिकानों पे सेबी ने सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस किए और ये खबर मीडिया पोर्टल्स पे कल परसों दो दिन से लगातार आ रही है। अब इस मामले में एक बड़ा टर्न आता नज़र आ रहा है। चेन्नई के इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म प्राइम इन्वेस्टर ने ये कह दिया है कि क्वांट के हाइब्रिड और इक्विटी फंड से इन्वेस्टर्स को एग्जिट कर लेना चाहिए। उन्होंने इन फंड्स पे एग्जिट कॉल दे दी है। इस प्राइम इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, उनका कहना यह है कि जो हालिया घटनाक्रम हुआ है क्वांट एमएफ के साथ, उसके चलते इन्वेस्टर्स के लिए दो गुना रिस्क बढ़ गया है। रिस्क दो तरह का उन्होंने बताया है कि किस तरह का रिस्क हो सकता है। पहला तो जो फंड है, जो इनके फंड हैं क्वांट के इक्विटी और हाइब्रिड फंड से, उनमें रिडेम्पशन का प्रेशर है। दूसरा रिस्क इस बात का है कि जिन स्टॉक्स में इन्होंने पैसा लगाया है, इन फंड्स ने, स्कीमों ने, वहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई दे सकता है, वहाँ पे बिकवाली नज़र आ सकती है। तो ये दो बड़े खतरे इन्वेस्टर्स के लिए बताए हैं प्राइम इन्वेस्टर ने, और प्राइम इन्वेस्टर ने क्वांट एमएफ के हाइब्रिड और इक्विटी फंड्स के लिए एग्जिट कॉल दे दी है। इस इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म का ये भी कहना है कि जो एएमसी है, क्वांट एमएफ है, उनका क्वांट एमएफ को लेके प्राइम इन्वेस्टर का ये भी कहना है कि इसका मिड कैप स्टॉक्स में और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर इस वजह से भी आ सकता है कि अगर ये बात आती है कि किन स्टॉक्स में फ्रंट रनिंग की गई, तो वहाँ पे उन स्टॉक्स में सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए खतरा हो सकता है। पिछले दो दिन से इन्वेस्टर्स लगातार इस बात को लेकर परेशान है, चिंतित हैं कि आखिर अब क्या होगा। जब से ये खबर आई है कि क्वांट एमएफ के ठिकानों पे सेबी ने सर्च एंड सीजर के ऑपरेशन किया है, हालांकि सेबी की तरफ से अभी इस बात पे कुछ नहीं कहा गया कि एग्जैक्टली किस तरह का फ्रंट रनिंग क्या उनको शक है, स्कीमों में किस तरह का फ्रंट रनिंग हुई है, किन्होंने की है, किन एम्प्लॉयज़ ने की है, क्या मैनेजमेंट उसमें शामिल रहा है या नहीं रहा है, इस सारी चीज़ों के बारे में सेबी की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। और जब तक सेबी इस पूरे मामले की जांच कंप्लीट नहीं कर लेता, तब तक शायद वो इन सारी चीज़ों का खुलासा ना भी करे। दूसरी तरफ क्वांट एमएफ की तरफ से कल एक सफाई आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सेबी को पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स को लगातार अच्छे रिटर्न देना जारी रखेंगे। अब देखना ये होगा कि प्राइम इन्वेस्टर की तरफ से दी गई एग्जिट कॉल के बाद क्या इस फंड की स्कीमों से इन्वेस्टर्स पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, क्या एनएवीज नीचे आते हैं, क्या जो स्मॉल कैप स्टॉक्स या मिड कैप स्टॉक्स में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है क्वांट एमएफ का, क्या वहां पे भी गिरावट दिखाई देती है। इन सारी जानकारियों, सारे अपडेट्स के लिए हम बार बार आपको खबरें देते रहेंगे। क्वांट एमएफ पे क्या अपडेट आ रहा है वो हम आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।